a die is thrown twice and the sum of the number is noted to be 8. Conditional probability निकालना है that the number 5 is appeared at least once. ठीक है, कम से कम एक बार जो है the number 5 has appeared. ठीक है, कम से कम एक बार जो है 5 आना चाहिए. एक डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है, दो बार. ठीक है, तो उसका सम जो है दोनों बार का आ रहा है, मिला करके सम को सम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है. तो आपको बताना है कि कम से कम एक बार जो है 5 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, बताइए. अच्छा, ये बताइए कि दो बार हम लोग फेंक रहे हैं एक डाइस को, दो बार, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36. सर डी ऑप्शन होगा सर, नॉन ऑफ दी जाएगा इसका. हाँ, कितना रहा है आपका आंसर? नॉन ऑफ दी है तो सर 1/18 आ रहा है सर. ऐसे गलत हो गया, 1/18 आ रहा है. और बताइए, देखिए 2/5 की ऑप्शन. 2/5, हाँ. और कोई? देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 8 हमें लाना है, तो 8 कितने तरह से आ सकता है? 8 सम 8 लाना है ना, तो 1+7 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 7 नहीं होता है, तो 2.6 से आ सकता है. ठीक, उसके बाद 3.5 से आ सकता है, एक बार 3 आ जाए दूसरे बार 5 आ जाए, या फिर दोनों बार 4 आ जाए दोनों पे. ठीक है, या फिर पहले में 5 दूसरे में 3 आ जाए, या फिर पहले में 6 दूसरे में 2 आ जाए. यही चांसेस हैं, इसके अलावा और कोई चांसेस है 8 आने के? ठीक है, तो ये है. अब 8 आने का क्या चांस है? टोटल आउटपुट हुआ हमारा 5 और पॉसिबल कितना है? 36. तो 5/36 ये क्या है हमारा? ये बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है. ठीक है, ऐसा हो रहा है. अब देखिए क्या चीज क्या पूछ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मान लीजिए हमने ए को लिया है, क्या ए को हम ला रहे हैं क्या? 8 सम इक्वल टू 8, ये है हम लोग इसको इवेंट ए मान रहे हैं, और बी इवेंट एक दूसरा इवेंट मान रहे हैं जो कि हमारा 5 एटलीस्ट 1 पे 5 अपीयर होना है. ठीक है, 5 ऑन एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट वंस. ठीक है, 5 आना है. अब हमें हमारे पास क्या पूछ रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, यही पूछ रहा है ना. तो ये होता क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, यही होगा ना. कोई दिक्कत है इसको समझने में? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये हमारा क्या है? ए है. ठीक है, यही तो ए है ना. और बी क्या है? बी क्या है? ये हमारा एटलीस्ट वंस किसी एक पे 5 आना चाहिए, तो यही दोनों तो हमारा है ना बी. तो ये बी हमारा हो जाएगा 3.5 और 5.3. ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए दो जो है हमारा ये है फेवरेबल, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो गया? 2/36. ठीक है, इसका हो जाएगा. और ये ए इंटरसेक्शन बी का, और ये नीचे क्या आ जाएगा? 5/36. तो फाइनली ये आ जाएगा 2/5. ठीक है, 36 हमारा जो है मेन मतलब सैंपल स्पेस है 36, और ए इवेंट का जो है वो 5/36 है प्रोबेबिलिटी. और ये बोल रहा है ए इवेंट हो चुका है, उसका जो 5/36 है वो हो चुका है, यानी कि नीचे 5/36 होगा. अब बोल रहा है 5/36 जब हो चुका है यानी ए इवेंट हो चुका है, तब बी इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बी इवेंट है कि किसी एक पे 5 आना चाहिए. ठीक है, तो 5 किसी एक पे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? दो ही कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई कर रहा है,
तो दो कंडीशन आउट ऑफ 36 जो है, दो ही कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा जो कि हमारा फेवरेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 by 36 जो है ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, और ये टोटल नीचे 5 by 36, तो 2 by 5 आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत किसी को, कहीं तो कोई दिक्कत हो तो क्लियर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। यस सर, यस सर, ठीक है।